गाइस, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि नए वीडियोस आपको पहले मिल सके। सो गाइस, जो पहला ट्रिक है वो है कन्विंस टूल्स। ठीक है, हम सेटिंग में आके कन्विंस टूल्स पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गाइस है बहुत सारे ऑप्शन है। हम अभी गेस्चर और मोशन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइज टू वेक है गाइस। ये क्या है कि जब आप फ़ोन के डिस्प्ले चाहते हैं ऑन करने के लिए तो आपको पावर बटन यूज़ करना पड़ता है, तो उसको यूज़ ना करके आप बस फ़ोन को पिक करना है। ठीक है, तब फ़ोन ऑटोमेटिक उसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ठीक है, और एक नेक्स्ट की है गाइस के ऑटो योर पिक कॉल्स। ठीक है, मतलब जब आपका फ़ोन रिंग हो रहा है, ठीक है, तो आप उस फ़ोन को जब अपने कान के पास लेंगे, ठीक है, सेंसर उसे डिटेक्ट कर देगा और ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, आपको बस फ़ोन को अपने कान के पास लेना है, दैट्स इट। ठीक है, और एक है ऑटो स्विच टू योर रिसीवर। तो क्या इसमें क्या हो रहा है, सपोज लाउड स्पीकर में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लाउड स्पीकर से जब आप चाहते हैं कि नहीं डायरेक्ट माइक्रोफोन पर बात करें तो लाउड स्पीकर से रहने दीजिए। लाउड स्पीकर में होने के टाइम पे भी अगर आप फ़ोन को कान के पास ले आएंगे तो ऑटोमेटिक वो नॉर्मल मोड में स्विच हो जाएगा। ठीक है, और एक गाइस है फ्लिप टू इनकम कॉल्स म्यूट। तो यहाँ पे गाइस क्या बात है कि सपोज आपका कॉल आ रहा है और आप रिसीव करना नहीं चाहते, साइलेंट मोड में चला जाएगा। और यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर से गाइस, ये भी डिफॉल्ट ऑफ रहता है, आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सबसे अच्छा लगता है, ये डबल टैप टू स्क्रीन ऑन। ठीक है गाइस, इसे हमेशा ऑन रखिए। ठीक है, मैं फिजिकल बटन यूज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल बटन जितना आप यूज़ करेंगे एक वो डिवाइस उतना ही ख़राब होने का चांसेस है। इससे अच्छा है आप फिजिकल बटन यूज़ ना करिए, और जब आप स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करेंगे अगर स्क्रीन ऑफ है तो ऑटोमेटिक उसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा। जब आप डिस्प्ले के ऊपर ओ करके ड्रॉ करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, जब वी करेंगे फ्लैश लाइट ऑन होगा। ठीक है गाइस, ऐसे करके आप बहुत सारे गेस्चर्स अपने आप ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हिडन फीचर है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और आपको ट्राई करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो गाइज, अभी मैं अपने कैमरे के गैलरी में हूँ, तो सपोज मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई ऐसा पिक है जो मैं नहीं चाहता कि और कोई देखे, कि जब एक्सीडेंटली मेरे पेरेंट्स मेरे फ़ोन यूज़ करेंगे या फिर फ्रेंड्स यूज़ करेंगे। मैं नहीं चाहता ये फ़ोटोज़ या फिर वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो, ठीक है, ना देखें, तो सिंपली मैं उसे हाइड कर दूँगा। कैसे, सपोज़ ये वाला पिक मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है गाइज, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक येलो कलर का बटन आ जा रहा है। ठीक है, टिक मार्क मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, सपोज ये दो पिक्चर्स में हाइड करना चाहते हैं, क्लिक करके यहाँ पे मोर के ऑप्शन में थ्री डॉट में मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे है सेट एज प्राइवेट, ठीक है, इसे आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो पिक्चर हाइड कर देगा। ठीक है, अब इसे खोलना कैसे है, सिंपली आपको सेटिंग में आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कन्विंसिंग टूल्स के नीचे प्राइवेसी लिखा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए जी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आ गया आपका प्राइवेसी सेफ। यहाँ पे जो भी पासवर्ड दिया है या फिर मेरा फेस अनलॉक है तब फेस से खुल गया है। ठीक है, जो भी आप देंगे यहाँ पे ये खुल जाएगा और ये ऑटो हाइड है। यहाँ पे फोटो ऑडियो डॉक्यूमेंट सब भी आप यूज। तो और भी एक तो अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे गाइस प्राइवेसी में, यहाँ पे है फाइल प्रोटेक्शन, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है अलर्ट व्हेन डिलीटिंग फोटोज़। ठीक है, तो कोई भी आप थर्ड पार्टी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब गूगल प्ले स्टोर से ना होकर कुछ दूसरे से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका फ़ोटोज़ वीडियोस ऑनलाइन डिलीट कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, तो ये क्या करेगा, आपको अलर्ट कर देगा कि ये थर्ड पार्टी आपका फ़ोटो या वीडियो डिलीट करना चाहता है। ठीक है, तो इससे हमेशा ऑन कीजिए, ये अच्छा फीचर है। और यहाँ पे और एक फीचर है गाइस किड्स स्पेस। ठीक है, जो भी पेरेंट्स लोग हैं अपने बच्चों को देते हैं फ़ोन, अभी तो वेल लॉकडाउन की वजह से हर घर पे ही फ़ोन से ही पढ़ाई किया जा रहा है। ठीक है, तो
जब भी आप फ़ोन दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से स्किड स्पेस यूज़ करके दीजिए। यहाँ पे क्या है कि गाइस आप अपने मर्जी से अलाउ कर सकते हैं कि कितना टाइम तक ये फ़ोन यूज़ में रहे, यूज़ करेंगे, कितना ऐप यूज़ करेंगे, कौन से ऐप यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सारे आपके ऐप्स हैं, ठीक है, अगर आप उसे अलाउ कर देंगे तो वो यूज़ करेंगे, जो आप नहीं चाहते वो यूज़ करें वो नहीं करेंगे। जैसे आपका व्हाट्सएप हुआ, कि फाइल मैनेजर हुआ, कि ऐसा कोई ऐप्स हुआ जो कि आप नहीं चाहते एक्सीडेंटली वो यूज़ करें, ठीक है, आपके बच्चे यूज़ करें, यहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे चाहेंगे तो मोबाइल डाटा भी नेटवर्क आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है, यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे एंटर टू किड्स स्पेस, तो किड्स स्पेस में चला जाएगा, ठीक है, बाद में उसे आप नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस और एक ऑप्शन है लॉक स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आपको ऑप्शन दिखा रहा है सो ऑल द नोटिफिकेशन कंटेंट्स, या फिर हाइड सेंसिटिव कंटेंट्स, या हाइड ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा गाइस कि आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर आप अगर चाहेंगे कि जो भी कंटेंट है वो दिखाए, जो भी नोटिफिकेशन दिखाए वो आप उसे ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका कुछ भी शो ना करे तो आप यहाँ पे हाइड ऑल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो लॉक स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाएगा। गाइस यहाँ पे और एक तो अच्छा सिक्योरिटी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, हिडन सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या है, स्मार्ट लॉक, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जो भी आपका बटन लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस तीन चीज़ दिया गया है, ऑन बॉडी डिटेक्शन, डिवाइस विल अनलॉक व्हाइल यू व्हाइल इट्स ऑन यू, ठीक है। तो ये मेरा ऑन है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ऑन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दिखा रहे गाइस इसमें क्या होगा कि गाइस आप जैसे यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को, ठीक है, कैसे पकड़ रहे हैं, राइट हैंड से पकड़ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड से पकड़ रहे हैं, और जब भी आप पॉकेट से निकालते हैं फ़ोन को कैसे पकड़ते हैं, तो ये क्या करेगा आपके फ़ोन के बिहेवियर को डिटेक्ट करना शुरू कर देगा कि आप किस लैंग्वेज से कैसे उसे पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये डिटेक्ट कर देगा कि ये फ़ोन ओनर ने पकड़ा हुआ है कोई कोई दूसरा पकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने पकड़ा हुआ है तो ये फ़ोन हमेशा लॉक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये फीचर इतना हैंडी भी नहीं है, क्योंकि गाइस अगर चोरी हो गया तो सपोज ऑन है गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बट ये अब अगर घर पे ही रहते हैं यूज़ करते हैं तो ये वाला ऑन कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, फ़ोन को पता चल जाएगा कि आप ही यूज़ कर रहे हैं और ये लगभग 90% ऑन ही रहेगा, ठीक है, लॉक स्क्रीन पे नहीं जाएगा। हाँ ये बात अलग है, अगर आप दो तीन मिनट के लिए यूज़ नहीं करें तब लॉक हो सकता है, पर जब तक आप यूज़ करते रहेंगे ये लॉक नहीं होगा, ठीक है। और ये है ट्रस्टेड प्लेसेस, यहाँ पे आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं अपने गांव का लोकेशन, अपने घर का लोकेशन, जहाँ पे मैं भी रहता हूँ काम करता हूँ, यहाँ पे लोकेशन ऐड कर दूँगा, तो इससे क्या होगा गाइस, जब ये लोकेशन ऑन करते रहेगा हमेशा, ठीक है, और उसी लोकेशन पे ही ऑन रहेगा, जब लोकेशन से बाहर चला जाएगा फ़ोन तब लॉक होना शुरू हो जाएगा, तब आपको ये अनलॉक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस और एक ऑप्शन है, रिमूव ऑल यूजर सर्टिफिकेट्स। तो ये क्या है गाइस, ये हमारा सिक्योरिटी जितना भी ऐड हुआ है अभी तक फ़ोन पे, मतलब मेरा फेस डिटेक्शन और फिंगरप्रिंट, बटन लॉक, अगर आप चाहते हैं कि सारा रिमूव हो जाए, फिर से नया हो जाए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद रिमूव ऑल सर्टिफिकेट में क्लिक करने के बाद जितने भी सारा सिक्योरिटी सेटिंग्स है वो सब गायब हो जाएगा, ठीक है, आपको फिर से रीसेट करना पड़ेगा। सो गाइस और एक सेटिंग है यहाँ पे, इसका नाम है ऐप क्लोनर, ठीक है। तो गाइस ऐप क्लोनर में क्या है, आप चाहते हैं कि आपका दो दो अकाउंट हो तो यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, गूगल पे हो, ठीक है, यहाँ पे क्लोन आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही कोई सी फ़ोन पे रहता नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको ही यूज करें, दूसरे थर्ड पार्टी आप क्लोन करें, तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए नेट ऑन करके डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। और कई फ़ोन पे ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है, इसलिए हम पार्लर स्पेस से आप यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया गया है, ठीक है। और एक सेटिंग गाइस, आपको एडिशनल सेटिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है गाइस।
तो ये एक तो बहुत ही हैंडी फीचर है गाइस कि आपके स्क्रीन पे क्या चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको जो भी दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन पे रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है रिकॉर्ड सिस्टम साउंड, ठीक है, एट मैक्सिमम वॉल्यूम। ये अगर ऑन कर देंगे सिस्टम में जो साउंड हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेगा, वो भी मैक्सिमम वॉल्यूम पे। ये मैं ऑफ रखता हूँ, ठीक है। और मेरा ये वाला ऑन है रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, क्योंकि मैं अभी माइक्रोफोन पे बात कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले में दिया गया है लगभग 1080p HD में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 60 Mbps में, ठीक है। और बैक चलते हैं, यहाँ पे है स्क्रीन शॉट, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट में बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मेरा अभी ऑफ है, ये है डिलीट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग। सपोज आपने स्क्रीन शॉट लिया है, ठीक है, और उसे आप एडिट कर चुके हैं, जब आप सेव करेंगे और ये ऑप्शन आपका ऑन होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, ओरिजिनल इमेज डिलीट हो जाएगा, उसके बदले क्या होगा, जो एडिट किया हुआ इमेज वो सेव हो जाएगा। तो इससे अच्छा है उसे बंद कर दीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट साउंड, जब भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट हुआ है कि नहीं आपको पता चलने के लिए एक साउंड होगा, ठीक है। प्रीव्यू विंडो लोकेशन, कि प्रीव्यू कहाँ पर आएगा, जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो प्रीव्यू आप कहाँ पर चाहते हैं, लेफ्ट से आ रहे या राइट से आ रहे, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको सेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे तीन मेथड है गाइस, थ्री फिंगर्स और डाउन, यहाँ पे थ्री फिंगर से आप नीचे खींचेंगे स्क्रीन पे तो स्क्रीनशॉट ले लेगा, या फिर और एक है थ्री फिंगर टच एंड होल्ड, ठीक है। इससे क्या होगा, स्क्रीन भी लेगा, अगर टच थ्री फिंगर से आप होल्ड करके रखेंगे तो लॉन्ग स्क्रोलिंग होगा, ठीक है, डाउन तक स्क्रीन नीचे आता रहेगा और जितने भी लंबा पेज हो वो सारा पेज वो स्क्रीनशॉट उठा लेगा, ठीक है। और नीचे में है गाइस, यहाँ पे है पावर बटन और वॉल्यूम बटन को एक साथ क्लिक करेंगे तब भी स्क्रीनशॉट ले जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है उसी हिसाब से आप सेव कीजिए। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी में जाइए, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स। तो इससे क्या हुआ, आप जब बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको फिर डिस्प्ले ऑन करके रेड बटन क्लिक करना होगा कॉल काटने के लिए। इससे अच्छा है कि आप पावर बटन की यूज़ कर सकते हैं कॉल काटने के लिए, ये भी अच्छा फीचर है गाइस, ठीक है, ऑन करके रखिए। और सो और एक हिडन फीचर है गाइस, यहाँ पे सेटिंग में जाके स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पे लिखा है रियलमी लैब्स, ठीक है। तो यहाँ पे है तीन ऑप्शन स्मूथ स्क्रॉलिंग। स्मूथ स्क्रॉलिंग क्या है गाइस, कि जब आप स्क्रीन को ऊपर नीचे करेंगे तो स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा, इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं स्मूथनेस। इससे क्या होगा कि गाइस फ़ोन थोड़ा लैकी फील करेंगे आप, ठीक है, इतना फास्ट मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि स्मूथ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट मेरा ऑफ है, आप चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। ये है सुपर नाइट मोड स्टैंड, ये क्या है गाइस, इससे क्या होगा, रात के टाइम पे आपका फ़ोन कम बैटरी यूज़ करेगा और जितने भी कनेक्टिविटी है वो स्लो कर देगा और कम पावर यूज़ करेगा, ठीक है। और बैकग्राउंड में जो एक्टिविटी चल रहा है, जो भी ऐप्स हैं, उनका सब बंद कर देगा, ठीक है। तो मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ इसे ऑन रखिए, ठीक है, रात के टाइम पे। ठीक है, ऐसे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हेल्प करो हमारे चैनल को ग्रो करने में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।